से सम्मान दिया। इससे पहले जिन महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है उनका पद इतना ऊंचा है, उनका औहदा इतना ऊंचा है कि उनके साथ मेरा नाम जुड़ा है, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। नौ साल की उम्र तक मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून में रहती थी। हम लोग आठ परिवार थे जिसमें सिर्फ एक बाथरूम और एक टॉयलेट हम लोग शेयर करते थे, लेकिन कभी कोई फसाद, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। भाईचारे से, इंसान दोस्ती से, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है और औरतों की जो बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, ये सब एक टेकिंग फॉर ग्रांटेड चीज थी। कैफी साहब उनकी तरह कई प्रोग्रेसिव राइटर्स जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, जो इप्टा के साथ जुड़े हुए थे, उनका ये मानना था कि कला को एक साधन बनना चाहिए सामाजिक बदलाव का, और जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी वो हमेशा यही करते आए। मैं एक छोटे से गांव मिजवा में, जहां कैफी साहब की पैदाइश हुई थी, उन्होंने एक संस्था कायम की, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें उन्होंने लड़कियों को और औरतों को केंद्र बिंदु बनाकर तमाम तरक्की की। तो स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई कढ़ाई का एक सेंटर, जिसमें आज मनीष मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, वो अपने तमाम एम्ब्रॉयडरी हमारी लड़कियों से करते हैं। और इन लड़कियों को जब हम मुंबई लेकर जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे देखो दीपिका पादुकोण ने वो काम, वो घाघरा पहना है जो मैंने जिसको काढ़ा था, ये देखिए ये जो लड़की पहनी है प्रियंका चोपड़ा ने, ये मैंने बनाया है। तो उनमें एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और इसमें ये हमने देखा है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उनको बराबरी की बात समझाते आए हैं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। होता ये था कि मिजवा और उसके आसपास के गांव में लड़कियों की शादी 12 साल की उम्र में हो जाती थी, और वो लोग सिंदूर लगाकर आ जाते थे स्कूल में। और हमने बहुत कोशिश की थी कि वो उनको समझाएं कि ऐसा गैर कानूनी है, ऐसा मत करो, लेकिन बरसों की प्रथा चली आ रही थी। बाहर जिस तरह की तालीम और शिक्षा उनको कैफी आजमी गर्ल्स स्कूल में मिली, तो ऐसा हुआ कि एक पहली बार वो गांव से निकल के एक इंटरस्टेट कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें उनको पहला जो अवार्ड है वो मिला बेस्ट प्ले का। तो ये 15 साल की लड़की वापस स्कूल आई, उसने एक सभा ली, प्रिंसिपल और टीचर्स को और बच्चों को इकट्ठा किया और कहा असेंबली में कि ये जो मुझे पुरस्कार मिला है, ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये मेरा पासपोर्ट है आजादी की तरफ, और इसकी वजह से मेरे माँ बाप को ये मानना होगा कि मुझ में भी सलाहियत है और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और चुनांचे आप सब लोग मेरे साथ मिलकर ये प्रण लें कि किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले हम नहीं होने देंगे, और अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती की जाए तो हम वहां एक मोर्चा लेकर और इंसिस्ट करेंगे कि ऐसा न हो। चुनांचे न सिर्फ मिजवा लेकिन आसपास के 40 गांव में इस तरह की कोई शादी 18 साल से पहले नहीं होते हैं। ये चेंज एक माइंडसेट चेंज है, और इसकी वजह से अगली सदियां जो है उसमें इतना बदलाव आएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जाहिर है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो जो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है वो महिला को पहुंचती है। उसका घर बर्बाद होता है, उसके बच्चे बेघर हो जाते हैं, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, और सबसे बड़ी शिकार वही बनती है सांप्रदायिकता की। आज का जो माहौल है उसमें जरूरी है कि हम अपने घुटने नहीं टेकें। तो माथुर साहब, मैं चाहूंगी कि आप मायूस ना हो, आपका जब शय है, आपकी जब साया हमारे सर पर है, तो यकीनन हम आपके साथ आपके संघर्ष में रहेंगे और घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क की अच्छाई के लिए ये जरूरी है कि जो इसमें बुराइयां हैं वो बुराइयां हम बताएं। अगर हम बताएंगे ही नहीं तो उसमें सुधार कैसे लाएंगे। लेकिन एक वातावरण इस तरह का बन रहा है कि अगर आपने कोई भी बुराई
लेकर आई हो खास तौर से सरकार के खिलाफ, तो आपको एंटी नेशनल फॉरन कह दिया जाता है। इससे डरना नहीं चाहिए और इनकी सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत भी नहीं। हम वही करेंगे, हम एक गंगा जमुनी तहजीब में पले बड़े लोग हैं और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कितना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ आप इस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क के लिए सही हो ही नहीं सकता। तो जब इस तरह के वातावरण बनता है तो मैं फैज का ही एक शेर सुनाऊंगी कि दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.